Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Text Number 52. Bhagavan Sri Krishna ke mukhavin se nikle hue in atyant hi pavitra aur adhyatmik shabdon ko kripaya mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, yadati mohakalilam बुद्धि व्यतीत विष्यति तदागन्तासि वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदाति मोहकलिलम् बुद्धि व्यतीत विष्यति तदागन्तासि वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदाति मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदम् 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 श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. शब्दों का अर्थ देखिए. यदा मीन्स जो, जब, ते तुम्हारा मोह, मोह की कलिलम, कलिल कहते हैं बहुत बड़ा जो जंगल होता है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है, उसको बुद्धि यानी बुद्धिमय दिव्य सेवा, व्यतीत ऋष्यति का मतलब होता है पार कर जाता है. अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जब आप बुद्धि व्यतीत ऋष्यति यानी भगवान की सेवा के सेवा से मोह के, जो संसार का मोह है, जो सत्काम कर्मों में आसक्ति है, उसके घने जंगल से पार हो जाओगे तो क्या होगा. तदागंता से निर्वेदम, तदा मना उस समय, उस समय किस समय, जब आप मोह के इस घने जंगल को पार कर लोगे. किस तरह से, बुद्धि व्यति तरीके से, भगवान की भक्ति के जरिए, भगवान की दिव्य सेवा के जरिए आप जब सत्काम कर्मों की ओर अपनी आसक्ति को पार कर लोगे तदा क्या होगा, गंतासी तुम जाओगे किधर, निर्वेदम विरक्ति को, यानी कि फिर आपको किसी भी चीज में कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, किसी भी चीज के लिए कोई आसक्ति नहीं रहेगी और क्या हो जाओगे, श्रोतव्यस्य 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 श्रुतस्य च, यानी सुनने योग्य के प्रति तथा सुने हुए के प्रति. जो कुछ भी आज तक आपने वेदों के विषय में सुना है ना, कि वेदों में क्या लिखा होता है कि इस तरह से सत्काम कर्म करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, तो अगर आप भगवान की दिव्य सेवा में लग जाओगे तो इस मोह के घने जंगल को पार कर लाओगे, कर जो, तो फिर मोह के घने जंगल को पार करने के बाद जो कुछ सुना है और जो सुनने के लिए है आगे, उस सब से आप विरक्त हो जाओगे. अनुवाद देखिए, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के सघन वन को पार कर ले, पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे. अत्यंत ही सुंदर श्लोक है और इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Sharakaya Chakshuron Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manohestam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahayam Dadati Sva Padantikam. Vande Aham Shri Guru Shri Yutta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishavasya Shri Rupam Sadrishatam Sahakana Raghunatha Vritam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitasya. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchanam Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Shri Vancha Kalpataru Bhayasya Kripasindhubhya Evasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Joshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadharam Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Granthat Srimad Bhagavad Gita Maharaja Ki Jai Ho. Bhagavan Sri Krishna Hame Buddhi Yog Mein Bhagavan Ke Saath Apna Connection Jod Kar Phal Ki Aasakti Ko Tyag Kar Karam Karne Ka Updesh De Rahe Hain Aur Usse Kya Labh Prapt Hoga Bhagavan Ne Kal Kaha Kisi Vanya Bhagavan Ne Kaha Karma Jam Buddhi Yukta Hai Palam Jaswa Manisha Is Tarah Se Karya Karo Aur फलों की आसक्ति को त्याग दो और उसे क्या होगा जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म मरण की चक्कर से मुक्त हो जाओगे और पदम गच्छन्ति नामयम और ऐसी जगह पर आप आ जाओगे जहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा कोई दुख नहीं होगा और ये तभी हो सकता है जब आप सत्काम कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो जाओगे क्योंकि भगवान ने पहले बताया था ना सृष्टि में बुद्धि युक्त हो जहाँ थी उभे सुकृत निष्कृत है आपको अच्छे और बुरे समस्त कर्मों के फलों से छूटना पड़ेगा तो ये कैसे हो सकता है अब ये हम इस जगह को इस स्टेज को कैसे प्राप्त करेंगे अर्जुन का ऐसा मन हो सकता है ना पूछने के लिए कि भी अब ऐसी जगह को हम कैसे हम अच्छे और बुरे चीजों में आसक्ति कैसे छोड़े तो भगवान उसका उत्तर देते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति कि जब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जब तुम्हारा मन जो है मोह के इस घने जंगल को पार कर लेगा यानी कि जब संसार की जो मटेरियल चीजें हैं ना उसके अंदर जो हमारी आसक्ति है ना वो जब
बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वास्तव में क्या है, मनुष्य क्या सोचता है, जीव क्या सोचता है कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, जैसे वेदों के जरिए या कोई भी ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस इज टू गेट बेटर मटेरियल एंजॉयमेंट, है ना। हर कोई क्या सोचता है कि यदि मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, जो भी आज ज्ञानी हमें नजर आते हैं वो यही सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाऊं, और ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करूं, और ज्यादा सुख से इस जीवन में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा सुखी हो जाऊं, यही वो यही समझते हैं कि ज्ञान का पर्पज यही है कि इस संसार में ज्यादा से ज्यादा मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। वो कैसे, देखिए अ पर्सन हु इज नॉट वेल एजुकेटेड, वो क्या सोचेगा कि चलो ठीक है कहीं पर भी है ना, अभी ज्यादा उसके पास एजुकेशन नहीं होगी तो धन भी ज्यादा, तो वो उसकी सुविधा उसका लाइफ स्टाइल भी थोड़ा नीचे होगा। वो क्या करेगा, एक ढाबे में जाके खाना खा लेगा, मतलब घर की तरह आएगा तो उसको इतना लगेगा नहीं कि मैं यहाँ कोई फाइव स्टार होटल में जाऊँ। लेकिन अगर वहीं पर कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगा जो बोलेगा मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे लाइफ को और अच्छे तरीके से यानी कि लाइफ एंजॉयमेंट को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे करना है, यूज करना है अपनी जिंदगी को, और ज्यादा लाइफ मटेरियल एंजॉयमेंट हासिल करने के लिए मुझे फाइव स्टार होटल में जाना पड़ेगा और मुझे ये इस तरह से सुविधाएं प्राप्त करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, that my intelligence is just for getting better material enjoyment. बस हर कोई जिसके पास धन है, हर कोई जिसके पास बुद्धि है, वो क्या सोचेगा, यहाँ संसारिक जो सांसारिक ज्ञान से क्या सोचता है कि अगर बुद्धि है तो क्या करना है, आपको कैसे अपने इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखी करना है। और अगर वो शास्त्र भी पढ़ता है, वेद भी पढ़ता है, तो वेद में से भी वही खींच के निकालता है क्या जिसमें लिखा होगा, अगर आप यहाँ ये कार्य करोगे तो आपको ये सुख मिलेगा, अगर उसकी भक्ति करोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो ये, और उसी मटेरियल एंजॉयमेंट को और ज्यादा हाईएस्ट करने के बाद क्या होता है कि अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, सांसारिक जो भी आप एंजॉयमेंट है उसको त्यागोगे तो आपको इटरनल मिलेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में जाने की विधि ये स्वर्ग में जाना, और उससे भी ज्यादा अगर आप मटेरियल एंजॉयमेंट यानी कि बुद्धि वहीं टिकी हुई है कि अपने आप को कैसे सुखी करूं, और उसी की हाईएस्ट स्टेज क्या है कि इससे बेहतर है अभी मनुष्य बनकर या देवता बनकर सुखी बनने का कोई फायदा नहीं है, वो तो एटलीस्ट एंड हो जाएगा, फिर क्या करना है, भगवान बन जाता हूँ, ठीक है, भगवान में अपना तदाकार कर लेता हूँ, भगवान के अंदर लीन हो जाता हूँ, भगवान तो कभी समाप्त होगा नहीं, मेरा आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये सब क्या है, इंद्रिय तृप्ति की वासना है, और ये मोह है कि मैं कैसे अपने आप को खुश करूं। वास्तविक ज्ञान ये नहीं है, वास्तव में ज्ञान क्या है कि हम किस तरह से भौतिक कष्टों से बचें, क्योंकि किसी भी जगह पर जाएंगे हमें कष्ट प्राप्त होगा, कष्टों से बचना ज्यादा बेहतर है संतुष्ट होने से। लेकिन अब यहाँ पर संसार में हम कोई भी सुख अगर हासिल करते हैं, जैसे कोई दान हासिल कर लेता है, कोई मटेरियल एंजॉयमेंट के बहुत बहुत साधन हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी दुख तो है ना, जन्म में तो जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जो कष्ट है वो तो समाप्त नहीं होते ना। तो वास्तव भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि आप जिधर भी जाओगे तो वहाँ पर आपको ये सारे कष्ट प्राप्त होंगे। तो जब कष्ट है तो उस कष्ट के अंदर कितना भी सुख हो तो वो सुख क्या बढ़ा है, तो साथ में कष्ट ही ना आपको। तो भगवान कहते हैं जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन के नाम है, आपको अगर सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए जन्म मरण के चक्कर की श्रृंखला से बचना पड़ेगा और उस जगह पर आना पड़ेगा जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। तो वो कैसे होगा, भगवान कहते हैं जब आप ये रियलाइज करोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और क्योंकि आत्मा इटर्नल है, और इट मींस मैटर कैन नॉट प्रोवाइड एंजॉयमेंट टू द सोल, क्योंकि इस संसार में सब चीजें क्षय हो जाने वाली है, जो कुछ प्रकृति में भगवान ने बनाया वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती है, आत्मा इटर्नल है, तो उसके लिए शास्त्र कहता है न अल्पे सुखम,
अल्पे सुख मना वो जो समाप्त होने वाली चीज है वो इटर्नल चीज आत्मा को कभी भी कोई संतुष्टि प्रदान प्राप्त नहीं करा सकती है। कोई संतुष्टि यानी कि जो मटेरियल चीजें हैं जितने भी हैं वो आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। ये तो केवल शरीर को संतुष्ट कर रही हैं। और यदि हम अपने सारे जीवन को केवल शरीर की संतुष्टि के लिए ही व्यस्त कर देंगे तो फिर क्या फायदा उस ज्ञान का। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तभी आप भक्ति में आगे, तभी आप बुद्धि योग को अपना सकते हो, तभी आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कैसे अपनी आत्मा को खुश करूँ, कैसे अपनी आत्मा को प्रसन्न करूँ। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आत्मा को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, शास्त्र कहता है सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अदोषये अहितुकिया प्रतिहिताः ये आत्मा सुप्रसीदति। वास्तव में दुखों का निवारण कब हो जाएगा, जब आप अदोषित भगवान श्री कृष्ण की शरण लोगे, जब आप जिसके अंश हो उस भगवान के साथ अपना बुद्धि योग कनेक्शन जोड़ोगे, तभी आपके समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा। वरना तो भले आप इस संसार में कितनी ही ज्यादा एजुकेशन हासिल कर लो, कितना ही अच्छा घर बना लो, कितनी ऐसी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लो, तो फिर वो सब वेस्ट है, क्योंकि ये आपके कष्टों का निवारण नहीं कर सकते। आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन सुख तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक आपके समस्त कष्ट समाप्त नहीं होते हैं। और जब तक सुख नहीं तब तक शांति नहीं। और भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। तस्मात संयते इंद्रिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी इंद्रियों को तृप्ति की ओर नहीं संयम की ओर लेकर जाना पड़ेगा। और ज्ञानम लब्धा पराम शांति, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, तभी संतुष्ट होऊंगा, तो ज्ञानम लब्धा पराम शांति, इसी ज्ञान से आपको शांति मिलेगी। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आप भले कितना ही परेशान हो जाओ, पूरी जिंदगी लगा दो, लेकिन सुख और शांति केवल कृष्ण के नाम और कृष्ण के शिष्यों की सेवा करने में है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीमद् प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। वैदिक कर्म कांड यानी कि अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वेदों के विषय में बता रहे हैं कि वेदों में क्या है, कर्म कांड है, लेकिन भक्ति के जरिए वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो जाती है। ऐसे बहुत सारे श्रभुपा जी उदाहरण भी हैं। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सत्काम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। जब हृदय से आपको पता चल जाता है कि आप कृष्ण के दास हो, कृष्ण के साथ आपका अपना संबंध याद आ जाता है, तो जितने भी संसारिक के जो सत्काम कर्मों के अनुष्ठान है ना, जो वेदों में लिखे हुए हैं, उनसे पूरी तरह से आप विरक्त हो जाते हो, नहीं चाहिए मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे केवल कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करने दो, केवल कृष्ण के साथ अपने प्रेम का निर्माण करने दो, ये सब नहीं करना है मुझे। कृष्ण भगवान बोलते ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे भक्त जो है वो भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ लेते हैं तो फिर ये वैदिक कर्म कांड में उन्हें कोई रुचि नहीं लगती है, भले ही वह अनुभवी भरी ब्राह्मण क्यों न हो। बहुत ज्यादा अगर ब्राह्मण भी हो, उन्हें शास्त्र भी पता हो, फिर भी उन वैदिक रस्मों में उनको कोई रुचि नहीं ले जाती। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी ने कहा है, आप जानते हो माधवेंद्रपुरी हमारी भक्त परंपरा के बहुत ही महान भक्त हैं। वो क्या कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतु भोस्नान तुभ्यं नमो, संध्या वंदन भद्रमस्तु, यानी कि संध्या वंदन जो करते हैं गायत्री इत्यादि जो करते हैं, और उसको बोलते हैं आपका कल्याण हो, भद्रमस्तु भवतु भोस्नान तुभ्यं नमो, स्नान भी मैं भी आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी मेरा प्रणाम है। भूदेवा पितरस्य तिर्पण विदो नाहं क्षम क्षम्यताम, यानी कि जितने भी पितरों को तिरपण वगैरह करने के श्राद्ध वगैरह करने के हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम है।
मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी असमर्थ हूँ ये सब कार्य करने के लिए। यत्र कापि निषद्ध यादव कुलोत्तमस्य कंस द्विष, यानी कि जब भी से मेरा मन यादव कुल के उत्तम कंस द्विष था, जिसने कंस को मारा था, उनके प्रति जब से मेरा मन एकत्रित हो गया, जब से मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तो फिर अब और कुछ करने के लिए आगे कहते हैं स्मारम स्मारम अगम हरामि तदलम मन्ये के मन्ये नमे, यानी कि अब मैं जब उनको इतना स्मरण कर रहा हूँ, मैं भगवान के प्रति इतना आकर्षित हो गया हूँ, भगवान की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, अब कृष्ण के स्मरण और कृष्ण के नाम ग्रहण करने के अतिरिक्त और कुछ करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, दिल ही नहीं करता है कि मैं भगवान को छोड़कर, भगवान के नाम स्मरण को छोड़कर, भगवान की कथाओं को स्मरण को छोड़कर कोई और कार्य करूं अपने कल्याण के लिए, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा और किसी चीज में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही। यहाँ पर अनुवाद देखिए, कहते हे मेरी प्रिय काल प्रार्थना तुम्हारी जय हो, संध्या वंदन भद्रमस्तु, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, भवतो भू स्नान तुभ्यम नमो, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ, वो देवा पितरस्य पितृविदो नाहम क्षमक्षम्यताम, और आगे कहते अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। यत्र कापि निषद्ध यादव कुलोत्तम कंस द्विषः, और स्मार स्मार मघम हरे नाम हरामी सदलम मन्ये कि मन्ये नमः, और इसके लिए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे भाव बंधन मुक्त होंगे तो केवल उनका नाम स्मरण करने से, और मुझे और किसी चीज में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, और मुझे ये श्रद्धा है अपने भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के प्रति अपने आकर्षण में, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने में, भगवान की कथाओं का श्रवण करने में, भगवान के नाम कीर्तन में मुझे इतनी श्रद्धा है कि शास्त्र कहता है श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है, कि यदि हम केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वेदों के सारे उद्देश्य उससे पूरे हो जाते, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, सारा का सारा जो भी कर्म कांड है, जो भी ज्ञान कांड है, जो भी कार्य कांड है, वो केवल और केवल कृष्ण की भक्ति में सम्मिलित है। यदि कोई निष्ठा और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं का स्मरण करता है, श्रवण करता है, तो इस कलयुग में इसके अतिरिक्त और कोई भक्ति है ही नहीं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक रस्म तथा अनुष्ठान यथा प्रिय काल संध्या प्रातः काल स्नान तर्पण पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, यानी कि जो नए साधक हैं, जो अभी तक इतना ज्यादा भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा इंटर नहीं हुए हैं, इनकी उनकी अभी तक भौतिक चीजों में आ सकती है, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको ये सारी चीजें करनी चाहिए, किन्तु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों को के प्रति उदासीन हो जाता है, फिर उसको छोड़ देना चाहिए, उसको खुद पर खुद उदासीन हो जाता है, उसको करने में कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अटूट प्रेम, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है समस्त वैदिक रस्मों से बढ़कर है, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे कि अगर किसी को कृष्ण की सेवा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं भगवान का अंश और भगवान की सेवा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो अन्य विभिन्न प्रकार की जो भी शास्त्रों में वर्णित तपस्या है वो करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है।
जैसा कि वेदों में बहुत सारे अनुष्ठान बताए गए हैं, कर्म कांड बताए गए हैं, ये करना वो करना, ये सब चीजें अगर कोई कर रहा है लेकिन कृष्ण के प्रति अपनी आकर्षण, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को निर्माण नहीं कर रहा है, कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को, कृष्ण की सेवा के लिए अपने हृदय को प्रशिक्षित नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ये नहीं समझा पा रहा है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और केवल कृष्ण की सेवा करना है मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो वो सिर्फ वेद पढ़ के या अलग अलग अनुष्ठान और यज्ञ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि सारे जितने भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे वसाहम्। 15.15 भगवान श्री कृष्ण कहते, सारे वेदों को समझने वाला, सारे वेदों को बनाने वाला, सारे वेदों का उद्देश्य, सारे वेदों को जानने का लक्ष्य केवल मैं हूँ। तो अगर कोई सारे वेद समझ रहा है और वेदों के अनुष्ठानों का पालन भी कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो सारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसका और वापस से जन्म मरण की श्रृंखला में फंसने वाला है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, पता ही नहीं क्या बनेगा अगले जन्म में जाकर, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया ना उसको, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा देना जाए बुद्धो शरणम अनिच्छ कृपा फल हे तब। वो जो अपने सकाम कर्मों के फल चाहते वो तो कंजूस है, आगे जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे जाकर, क्योंकि वो भगवान के प्रति अपने आकर्षण को नहीं बढ़ा रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्राह्मण की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी भगवान की भक्ति के विशेष उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम को निर्माण कर लेता है, जो दास रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, तो वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाता है, वो उस दायरे से ऊपर हो जाता है जो वेदों और उपनिषदों में जो बताए गए ना कर्म कांड ज्ञान कांड, उनसे सबसे आगे। क्योंकि कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय रभांड, ये सब विष के प्याले, क्योंकि इससे ज्यादा क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो वास्तव में भगवान ने हमें कहाँ पर आने के लिए कहा है, भगवान ने कहा है कर्म जम बुद्धि युक्त ये फलम त्यक्त्वा मनीषा, जितने भी आपके जितने भी सुकृत दुष्कृत अच्छे और बुरे कर्म है उन सब के फलों को त्यागो और जन्म विनोमुक्ता परम गच्छन के नाम है, तो इस जन्म मरण की श्रृंखला से ऊपर उठ के मेरे पास आना जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।